हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हो गए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी बना रही हूँ जिसको आप कद्दू कहते होंगे या फिर पेठा कहते होंगे। फ्रेंड्स, मैंने इनको काट लिया। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसको अच्छी तरह इसके बीज निकाल कर काट लिया है और मैंने जो है पहले इसके जो छिलका होता है ना उसको अलग से काटा है फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम इसको साथ में काटते हैं तो ये अच्छी तरह गलता नहीं है और अच्छा स्वाद भी नहीं आता। तो मेरे घर में तो ऐसे ही बनाते हैं फ्रेंड्स। अब सबकी अलग अलग बनाने का वो तरीका होता है, तो मैंने इस तरह इन टुकड़ों को काटा है। पहले देखिए, दिखा देती हूँ आपको, ऐसे काटा है। और ये मैंने यहाँ पर कद्दू कद्दू बोलते हैं इसको, सीताफल बोलते हैं कुछ लोग, इसको पेठा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो साबुत धनिया होता है वो लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा क्या कहते हैं ये सौंफ है, सौंफ लिए, साबुत लिए फ्रेंड्स। और मैं यहाँ पर फ्रेंड्स इस पेठे को मेथी से छोकूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ऑयल हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है, मैंने मेथी, क्योंकि हमेशा फ्रेंड्स जो पेठा होता है वो मेथी में ही छोका जाता है। मैंने ऐसे ही अपने घर पर सबको छोकते हुए देखा है, जैसे भी मैंने सीखा है तो मैंने घर वालों से सीखा है ऐसे ही। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मैं एक चम्मच मेथी लूँगी और जो एक चम्मच ये मैंने साबुत धनिया और क्या कहते हैं सौंफ लिया है, तो अब मैं इसको डाल देती हूँ इसमें एकदम, ताकि ये भुन जाए। फ्रेंड्स, ये मैंने डाल दिया है और देखिए फ्रेंड्स, हमारा गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया था। फ्रेंड्स, अब मैं क्या कहते हैं मैंने मेथी ही डाली है फ्रेंड्स, ये जो पहले डाली थी मैंने आपको दिखाई है ये मेथी है, क्योंकि घर में मेथी से ही छोका जाता है। और ये देखिए गैस हो चुकी थी अच्छी तरह, गैस की वजह से ये ऑयल गर्म हो चुका। मैं प्याज, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि तुम प्याज पहले डालती हो, जीरा नहीं डालती। तो फ्रेंड्स, मेरी कई बार क्या होती है जो फ्लेम गैस की हाई हो जाती है, जिसकी वजह से मैं जीरा डालती हूँ तो ज़्यादा काला हो जाता है। और तेल को अच्छा गर्म करना ही फ्रेंड्स अच्छा रहता है। अब मैं गैस के फ्लेम को हाई कर देती हूँ और मैं प्याज को पकने देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारे प्याज हो चुके हैं और फ्रेंड्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। फ्रेंड्स, मैंने ये तीन टमाटर लिए थे और फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरे घर के टमाटर हैं, मैंने बाहर से नहीं खरीदे, और ये देसी टमाटर हैं, घर के बने हुए, मतलब पेड़ पर आए हुए हैं। हमने कुछ टमाटर के पेड़ लगा रखे हैं फ्रेंड्स, तो वहाँ से टमाटर तोड़े थे। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था, अब मैं हाई कर रही हूँ फ्रेंड्स, हाई हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी फ्रेंड्स, सबसे पहले नमक डालूँगी। फ्रेंड्स, नमक हम इसलिए डालते हैं ताकि जो ये प्याज टमाटर है, टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करूँगी, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊँगी, तो तब भी आपका जो पेठा है बहुत अच्छा बनेगा, यानी कद्दू। तो मैं यहाँ पर पहले एक चम्मच नमक डाल दिया है, आधी चम्मच और डाल रही हूँ फ्रेंड्स, इतना काफ़ी है। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें थोड़ा चटक सा नमक ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो पेठे को गुड़ या चीनी से भी बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको चला देती हूँ और अब ये थोड़े से पक जाएंगे टमाटर, तब हम इसमें एक दो चीज़ें और डालेंगे। हमारे टमाटर थोड़े से गल चुके हैं फ्रेंड्स, तो अब हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने नमक इसीलिए डालते ताकि वो गल जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक चम्मच भरकर हल्दी डालूंगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूंगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि जो ये मसाला है यानी टमाटर प्याज का, वो अच्छी तरह थोड़ा सा पिसा जाए फ्रेंड्स। यानी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी डाल दिया, अब इसको चला देती हूँ। थोड़ी सी देर फ्रेंड्स इसको भूनेंगे इस मसाले को अच्छी तरह, जब तक इसका पानी ना सूख जाए और मसाले में से तेल अलग ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको भून रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मसाला है देखिए उसने ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स देखिए, मैंने ऑयल ठीक डाल लिया था और देखिए अब इसमें मसाला अच्छी तरह पक चुका है। मैंने इसको थोड़ा प्रेस कर दिया। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है आप इसमें जो कच्चा आम है वो डालें या अमचूर पाउडर, कई बार क्या होता है घर में चीज़ें अवेलेबल नहीं होती फ्रेंड्स, तो नहीं डाल पाते, तो मैं नहीं डाल रही। मैंने आपको बताया मैंने टमाटर वो सलाद वाले टमाटर नहीं लिए थे, मैंने वो खट्टे वाले जो देसी टमाटर होते हैं वो लिए थे, क्योंकि इसको तब भी खट्टापन मिलेगा और ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता। अब खट्टा मीठा तो वैसे भी बन जाएगा फ्रेंड्स। तो हम डाल देते हैं अपना ये जो हमने कद्दू काट रखा है या पेठा जिसको सीताफल भी बोलते हैं, तो ये हमने डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह इसमें कोटिंग कर देते हैं इस मसाले में। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आ रहा है, अभी तो पेठा बना भी नहीं है। और ये देसी स्टाइल है घर का बिल्कुल, मैंने ये सारी चीज़ें कभी किसी से नहीं सीखी। मेरी जो दादी थी, मतलब अभी भी है मेरी दादी अम्मा, वो फिलहाल यहाँ पर नहीं रहती, दूसरे घर रहती है मेरे चाचा के। तो फ्रेंड्स,
मैंने उन्हीं से सीखी थी। वो जब चूल्हे पर काम करती थी तो मैं उन्हें देखती थी बचपन में। मुझे एक बात याद है, मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स, कि एक दिन मेरे दादाजी ने बोला कि घिया का रायता बनाओ, तो मैंने जो घिया उबलने के लिए रख दिया जैसे भी पूछ कर दादी से, तो फ्रेंड्स वो जो घिया था मुझे पता नहीं था घिया पका हुआ है या कच्चा हुआ है। मैंने सीटी निकाल कर तभी तुरंत से उसको ठंडा करके निचोड़ कर उसका रायता बना दिया, लेकिन वो घिया जो था कच्चा था। तो मुझे डांट तो मिली थी, लेकिन फिर मेरी दादी ने दोबारा से बनाया था उस रायते को, तब मैंने वहाँ से वो चीज़ें सीखी थी कि हाँ वहाँ पर गलती की तो दोबारा मैं वो गलती नहीं करूँगी। तो देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है और अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी जो है कम से कम आधे घंटे तक इसको पकाएंगे। 25 मिनट में तो ये खूब अच्छा पक जाएगा फ्रेंड्स। तो आइए अब हम इसको पकाते हैं ढककर, और गैस का फ्लेम है जो लो कर देते हैं, लो टू मीडियम। और फ्रेंड्स मैंने ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखा था ताकि इसको ऑयल में ही पकाना है, क्योंकि इसमें पानी एक्स्ट्रा अब बाद में नहीं डालना है, इसको भाप में अच्छी तरह पकाना है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये पक रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मम्मी जो है रोटी बना रही है चूल्हे पे, मैंने गैस पर सब्जी बनाई क्योंकि यहाँ पर धूप आ गई थी। देखिए बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी, मैं आपको देखिए सूरज कैसे दिखाई दे रहा है, कितनी ज़्यादा धूप आ रही है और यहाँ पर धुआं भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा। मम्मी बोली मैं बना लूँगी आराम से। फ्रेंड्स आपको एक बात बतानी थी, मम्मी जो है खाना अपने घर से ही बनाना सीख के आई थी, यहाँ पर उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मतलब दादी से सीखा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन इनको खाना बनाना आता था क्योंकि ये अपने गाँव में भी अपने घर पर भी बनाती थी, नाना के घर पर। ये यूपी से है मेरी मम्मी। और देखिए मम्मी ने यहाँ पर आज ताज़ा मक्खन भी रखा हुआ है, और इस मक्खन से अगर जब रोटियाँ खाते हैं ना गरम गरम तो क्या स्वाद आता है, इसका अलग ही स्वाद है। और फ्रेंड्स देखिए मम्मी अब खाना बना रही है। मौसी बोल रही थी कि मम्मी की भी वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैं आज मम्मी को भी दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स मम्मी को कल चोट लग चुकी है, देखिए यहाँ पर मम्मी गिर गई थी पशुओं के वहाँ पर, मुझे रात को पता चला कि मम्मी गिर गई, और मम्मी कह रही थी दर्द भी है, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं दवाई ले लेते हैं हो जाएगा ठीक। उनको ज़्यादा ही चोट लग गई और कह रही थी आज रोटियाँ हाथ से नहीं बन पा रही है, मैं चकला बेलन से बनाऊँगी। देखिए मैंने रख दिया उनके पास, और धुआं भी आ रहा है फ्रेंड्स, देखिए बना रही है मम्मी रोटी। आज इनकी फ़ोटो देखकर इनकी बहन को बहुत खुशी होगी, क्योंकि इनकी बहन जो मेरी मौसी, उन्होंने बोला था कि मम्मी की वीडियो ज़रूर बनाना। और फ्रेंड्स खुशी तो इसलिए होगी कि उन्होंने मम्मी को देखा है आज, और दुख भी इसलिए होगा उन्हें कि मम्मी को चोट लग चुकी है। और फ्रेंड्स मुझे भी शाम को ही पता चला कि मम्मी को चोट लगी है। मौसी सॉरी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, वैसे नहीं बनानी चाहिए, लेकिन आप उनकी बहनों आपको पता होना चाहिए कि उनको चोट लगी, आप उनसे बात करना। वो कह रही थी मौसी को बताया क्यों नहीं तुमने कल, जब मैंने बात की थी तो मैंने बताया था कि मम्मी मैंने मौसी से बात की, बोली तुमने क्यों नहीं बताया, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता चला तुम्हें चोट लग गई है। तो मौसी सॉरी मम्मी को चोट लगी हमारी वजह से, क्योंकि हम वहाँ पर नहीं थे। तो देखिए मम्मी खाना बना रही है चूल्हे पर, फिर भी बना रही है क्योंकि वो कहती है मैं अपना काम खुद करूँगी, मुझे खुद ही अच्छा लगता है, वो हमसे नहीं करने देती काम, करवाती तो है लेकिन इतना नहीं करवाती हमसे, तो मम्मी खुद ही करती है। इसलिए आज ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और खाना जो गैस पर है सब्जी बनने लग रही है। मैंने कहा ठीक है आज तुम्हारी क्या कहते हैं वीडियो बनाई जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कम से कम 18 मिनट हो चुके हैं इसको पकते, और अभी ये है लास्ट, इसमें अभी 10% पकने वाला है, अभी नहीं पका, 10% रह चुका है। तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया था 25 मिनट में पक जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इसमें क्या डालेंगे, चीनी, क्योंकि हल्का मीठा तो चाहिए, और मैं हल्की ही चीनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं, लेकिन मैं गुड़ को स्किप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी गर्मी है और गुड़ ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, तो मैं इसलिए चीनी डालू। फ्रेंड्स ये जो चम्मच है, एक चम्मच है, लेकिन मैं इसमें क्या कर रही हूँ, इसको एक चम्मच से भी हाफ से थोड़ी, हाफ मतलब आधी चम्मच से थोड़ी सी कम चीनी डाल रही हूँ फ्रेंड्स मैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालनी, इसी में ये पक जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ चीनी को, ज़्यादा चीनी नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये आधी किलो पेठा था, और आप चीनी ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो मीठा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा खट्टा थोड़ा हल्का ही मीठा पसंद है हमारे घर में सबको, पेठा ज़्यादा नहीं। और फ्रेंड्स मैंने अमचूर पाउडर बताया था आपको, इसलिए नहीं डाला क्योंकि जो हमारे टमाटर वो देसी टमाटर खट्टे हैं, तो उनसे काफ़ी खट्टा हो जाएगा, इसलिए अमचूर पाउडर डालें। फ्रेंड्स कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, इसमें जैसे करेले या पेठे बनाते हैं
तो सौंफ और धनिया होता है उसको पीस कर बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने पहले इसलिए डाला क्योंकि मुझे बाद में पीस के नहीं डालना, मुझे इसमें मीठापन नहीं लाना फ्रेंड्स बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने पहले डाला था ताकि सौंफ का हल्का सा जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाए। फ्रेंड्स अब इसको हम जो हमारी 7 मिनट और है उस 7 मिनट और पकाएंगे और फिर देखना फ्रेंड्स ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब इसे 7 मिनट और पकाना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो पेठा है वो पक चुका होगा, मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये प्योर पक चुका है, देखिए ऑयल छोड़ दिया है इस सब्जी ने, देखिए आपको दिखा देती हूँ ये रहा साइड में ऑयल, देखिए ये रहा पक चुकी है ये सब्जी। तो फ्रेंड्स अब हम जो है गैस को बंद कर देते हैं चलाकर इसको अच्छी तरह। और फ्रेंड्स आप भी अगर पेठा ऐसे ही बनाएंगे यानी कद्दू को सीताफल को तो फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप तो मेरी एक फैमिली की तरह हैं। और मैंने अब गैस को ऑफ कर दिया है और ये बनकर सब्जी तैयार हो गई है और मैं इसको ढक देती हूँ ऐसे ही। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ देखिए हमारी सब्जी का कलर कैसा आया है, देखिए कैसा आया है, कितना अच्छा कलर आया है देखिए। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको अपने बाहर गार्डन में दिखा देती हूँ, हल्का सा गार्डन है जिसमें मैंने पुदीना लगा रखा था, मैंने कल की वीडियो में पुदीने की चटनी और लाल मिर्च की चटनी बताई थी वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी पशु है, ये हमारी गाय है प्यारी सी, ये कुछ नहीं कहती, मारती भी नहीं है किसी को, अभी सोच रही है कुछ खाने के लिए दोगे। और ये इसकी बच्ची है छोटी सी, इसका एक और बच्चा है छोटा सा, मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए ये वाला बैठे है आराम से, अभी सुबह दोपहर में इनको खाना मिलेगा। देखिए ये हमारे बैठे, वो मेरे चाचा की गाय हैं, वो उसका बच्चा है छोटा सा, अभी थोड़े दिन पहले ही इसने इसको मतलब ब्याई थी, ये देशी भाषा में बोलते हैं इसका बच्चा है ये। और देखिए ये तो बहुत बेकार है, मारती बहुत है ये बहुत ज़्यादा। और ये बेचारी सीधी है, अभी इसको मक्खी परेशान कर रही है, बहुत ही अच्छी है। और देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर ट्यूबवेल है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चाचा का घर है, वो हमारा घर है, वो दूसरी चाचा का घर है। और ये यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी है, भाई की गाड़ी है ये वाली, वो भी चाचा की है, छोटे वाले की, वो बड़े वाले की, वो ट्रैक्टर खड़ा है, खेत है। और यहाँ पर ये है ट्यूबवेल, सूखी पड़ी हुई है। और तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर पुदीना है, ये छोटा छोटा अच्छा पुदीना हो रखा है, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, अच्छी काफ़ी पुदीना हो रखा है। ये यहाँ पर टमाटर देखिए छोटे छोटे आ रहे हैं, फल यहाँ पर भी दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स ये गाय बहुत गुस्सा कर रही है अभी भी, इसको ये इसको लग रहा है मैं कुछ खाने के लिए ले रही हूँ तो दे नहीं रही, तो ये बहुत बेकार है, ये मारती बहुत ज़्यादा, इससे डर लगता है मुझे भी। ये यहाँ पर ट्यूबवेल है देखिए, ये यहाँ पर ट्यूबवेल है, सूखी पड़ी हुई है, मैंने आपको दिखा दिया। आज वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ये यहाँ पर भाई की गाड़ी है, वो भी चाचा की है, वो दूसरे चाचा की, वो ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है घर के पास ही, मतलब बिल्कुल देसी स्टाइल है, ये नहीं है कि देसी स्टाइल नहीं है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का हम यहीं एंड करते हैं, और मुझे अपनी गाय बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी है और ये बहुत प्यारी भी है, और वो वाली थोड़ी सी बेकार है, और एक और थी वो मम्मी ने दे दी। तो फ्रेंड्स बाय, यहाँ पे वीडियो का एंड कर रहे हैं हम, फिर मिलते हैं आपके साथ अपनी एक और नई वीडियो के साथ, बाय फ्रेंड्स।